हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमी गार्डन। आज मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये समर के वक्त में यानी कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये है कि वाटर मिलन के जो आउटर पार्ट है, यानी कि इसके छिलका कह सकते हैं हम, तो यही है, इसको लेकर ही हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा जो है छिलका मैंने एक पैकेट में रख लिया था। तो ये देखिए, इसको छोटे छोटे पीसेस में इसको कर लेंगे सारे। ये देखिए, सारे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया है। अब इसको क्या करना है कि इसको एक पॉट लेना है, देखिए ऐसे। तो ये देखिए, इसके ऊपर भाग में देखिए थोड़ा ब्राउन कलर का एक स्पॉट हो चुका है, क्योंकि इस पॉट में मैं और भी तरह के कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाता रहता हूँ, जैसे कि बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र, ऑनियन के जो छिलके हैं उसका फर्टिलाइज़र। तो ये देखिए, सारे मैंने ये जो पीसेस हैं इसके, इसको डाल दिया है। अब इसमें पानी डाल दूँगा, पानी जैसे कि इसको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र तैयार हो, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे कि ये देखिए ये तैर रहा है। और इसको क्या करूँगा, इसको ढक के रख दूँगा 2 दिन के लिए। ये देखिए, अब हम आ गए हैं 2 दिन बाद। तो ये देखिए, 2 दिन में भीग कर पूरा तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करूँगा कि इसको थोड़ी छान लूँगा। तो छानना प्रोसेस क्या है कि इसके जो ये देखिए, इसके जो पीसेस है ये इसमें ना गिरे, बस यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें पानी मिला लेंगे। पानी में बिल्कुल जो फर्टिलाइज़र है जितना, उसके समान परिमाण में यानी कि इक्वल पानी डाल देंगे। इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो भी चलेगा। तो इस रेशियो में मैं मिला रहा हूँ। और मिलाने के बाद ये देखिए, मैंने पानी तो पहले ही इसमें मिला लिया था। इसके बाद ये देखिए, ये तैयार हो चुका है मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये बहुत ही जल्दी, आप लोग देख ही चुके हैं, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। और इसको हम लोग सभी तरह के प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, सभी तरह के, कोई भी नुकसान की कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है जो बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गर्मियों के लिए अच्छा है, और गर्मियों में हम तो तरबूज बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके छिलके भी अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर घर पर इसको बनाना। बात आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी फर्टिलाइज़र आप लोग सन के प्रेजेंट में यानी कि सनलाइट में मत दीजिएगा, तो इसको शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए।